Morning to all of you. Very good morning to all of you. Paper discussion में कल कोई आपका doubt रह गया हो तो आप उसको अभी आज पूछ सकते हो और जो final answer की कल आपको बताया था उसी से paper अपन अपना check करेंगे. Good morning Aryan. तो answer की में आपको कोई doubt हो सर मैं न्यू एडमिशन हूँ आप कौन से टॉपिक पे स्टार्ट कर रहे हो बेटा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है और आप मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप पे मेरे हेलो भेज देना तो प्रीवियस ट्रिग्नोमेट्री में जो भी लेक्चर्स हुए हैं वो उनका रिकॉर्डेड लेक्चर मैं आपको दे दूंगा. साथ में बेटा आपने जो है इवनिंग का भी मैथ्स का क्लास करना है क्योंकि वहां पर यही टॉपिक चल रहा है लेकिन अभी अभी स्टार्ट हुआ है. ठीक है आर्या तो आप इवनिंग बैच का भी क्लास करें. किस ब्रांच से हो बेटा आप आर्या? ओके इंदौरा ब्रांच में तो आप आकाश सर को या नीलेश फुलझेले सर को इनको बोल दें कि सर मेरे को कुछ दिनों के लिए इवनिंग बैच में ऐड कर दें मैथ्स की क्लास में ताकि आप इवनिंग का जो टाइमिंग है 4 to 5 है वो भी क्लास करें. वहां पर ट्रिग्नोमेट्री अभी जो आप क्लास 10th में पढ़ रहे थे वही ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है. ठीक है और मॉर्निंग बैच में और इवनिंग बैच में कुछ 4 to 5 लेक्चर्स का फर्क है और बहुत जल्दी अपन वो कवर कर लेंगे तो दोनों बैच पैरेलल हो जाएंगे. लेकिन यहाँ थोड़ा सा सिलेबस आगे चला गया है इसलिए थोड़ा आपको तकलीफ हो सकता है ना? थोड़ा चीजें जो है वो बाउंसर पड़ सकती हैं आपको. इवनिंग बैच में कोशिश रहेगी आपको हर चीज समझे. वहां भी 4 to 5 लेक्चर हो चुके हैं बट इससे थोड़ा सा कम हुआ है तो वहां पर समझने के चांसेस ज्यादा है. एटलीस्ट 1 week के लिए आप दोनों बैच करें मॉर्निंग भी इवनिंग भी तो आपको ज्यादा उससे फायदा लगेगा. ठीक है और फिर भी मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर जो इवनिंग बैच के हैं वो सारे प्रोवाइड कर दूंगा तो आप उसको 1 by 1 देख लेना तो आपको हर चीज समझेगा और उसमें कोई डाउट आता है तो आप उसको पूछ सकते हो. इंदौरा ब्रांच में हाँ बोलो बेटा आप रिकॉर्डेड लेक्चर कैसे सेंड करेंगे पर्सनली या ग्रुप पे? नहीं नहीं आप मेरे को पर्सनली भेज देना क्योंकि काफी सारे रहते हैं फिर ग्रुप में काफी सारे लेक्चर आते रहते हैं इसलिए आप रिकॉर्डेड लेक्चर सेंड कर देंगे. हाँ आप मेरे को हेलो भेज देना अपने नाम से. ठीक है तो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर जो PBS है वो भेज दूंगा तो आप उसको देखोगे तो आपको हर चीज समझ में आ जाएगी फिर है ना. ओके सर. हाँ 1-2 दिन का एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा लेकिन आप बिल्कुल पैरेलल हो जाओगे. PBS लेक्चर देखना जरूरी है क्योंकि आगे कंटिन्यूएशन में आने के लिए अपन पीछे क्या हुआ है वो अपन को समझ में आ जाए इसलिए उन लेक्चर्स को आपने जरूर और जरूर देखना है. और एक चीज और मैं आपको बोल रहा था मैं मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे 3 दिन इंदौरा ब्रांच में डाउट क्लियरिंग के टाइम पे रहता हूँ. ठीक है डाउट क्लियरिंग का टाइम 12:30 to 2 o'clock है तो आप उस बीच में आके भी मेरे से डाउट क्लियर कर सकते हो. ठीक है आर्या आर्या ठीक है वॉइस आ रहा है. ओके बेटा चलिए सो चलिए आपको कोई डाउट नहीं है कल के पेपर में. वेरी गुड. ट्रिग्नोमेट्री में आप सभी ने अभी तक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल और अपन ने कंपाउंड एंगल से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूले
साइन टू थीटा का, साइन थ्री थीटा का, ये सब फॉर्मूले हमने यहाँ पर देखे हैं। पूरा ट्रिग्नोमेट्री इज बेस्ड अपॉन इट्स फॉर्मूला। आपको फॉर्मूले जितने ज्यादा लर्न होंगे आप ट्रिग्नोमेट्री उतना अच्छा बना सकते हो। और फॉर्मूला लर्न करने का सबसे अच्छा तरीका है कॉपी मेंटेन करिए फॉर्मूला का, फॉर्मूला का कॉपी बनाइए, और जब भी आप क्वेश्चंस कर रहे हों तो वो फॉर्मूला का कॉपी आप हमेशा साथ में रखिए। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस में आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फॉर्मूला उतने लंबे समय तक आप याद रख सकते हो। यही सबसे अच्छा तरीका है फॉर्मूला याद रखने का। ठीक है, मैं भी कोशिश ये करता हूँ कि हर क्वेश्चन में फॉर्मूला साथ में लिखूं, मेंशन करूं। बार 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 लिखने से यही होता है कि हम चीजें ज्यादा लंबे समय तक याद रख पाते। इसलिए फॉर्मूला कॉपी मेंटेन करिए सभी बच्चे। जिन बच्चों ने फॉर्मूला का कॉपी नहीं बनाया है वो फॉर्मूला का कॉपी बना लें। 2 साल तक अपन ये फॉर्मूला कॉपी मेंटेन करेंगे और ये फॉर्मूला कॉपी आपको एग्जाम, फाइनल एग्जाम के वक्त बहुत हेल्प करती है। ठीक है, तो फॉर्मूला आप जब कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला बुक्स में ढूंढने जाते हो तो वो नोट में ढूंढने जाते हो तो नहीं मिलता है, तो इसलिए फॉर्मूला का एक सेपरेट कॉपी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, जो आपकी फेयर कॉपी है, ठीक है, क्लास वर्क जो कॉपी है वो तो होना ही चाहिए, इसके अलावा भी एक फॉर्मूला कॉपी रिक्वायर्ड है जिसमें आप फॉर्मूला मेंशन करेंगे अपने सारे। तो आप बच्चों को यदि बहुत अच्छा स्कोर करना है तो फॉर्मूले लर्न करना है। फॉर्मूले लर्न करने के लिए मेथड आपको बताया, वो आपको फॉलो करना चाहिए। चलिए, तो ट्रिग्नोमेट्री में जितने फॉर्मूले आपने पढ़े उन्हीं को और अच्छा अपन करते हुए कुछ क्वेश्चंस पे आज डिस्कशन और कर रहे हैं ताकि आपके फॉर्मूले वो रिवाइज हो जाएं। और कल आपने टेस्ट दिया था तो आपने थ्योरी तो पढ़ा ही है। ठीक है, क्वेश्चन आप सभी से। सर आपकी आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं है और आपका नेटवर्क रेड दिखा रहा है। नेटवर्क बाकी बच्चों को बराबर आ रहा है नेटवर्क? यस सर। तो देखो बेटा, एक बार री एंटर करके आप देख लो, शायद प्रॉब्लम आपका सॉर्ट आउट हो जाए। तब तक अपन कुछ बातें प्रीवियस जो हैं वो रिवाइज कर लेते हैं जो कि आपको क्वेश्चंस में हेल्प करेंगी। क्वेश्चंस जरूर और जरूर बनाने के लिए बहुत बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं। एक बार ऑलरेडी ये क्वेश्चन किया हुआ है, पीछे बिल्कुल भी मत जाइएगा आप सभी। ठीक है, कोशिश करिए अपनी मेहनत से क्वेश्चन को सॉल्व करने का, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो यू हैव टू इवैल्यूएट द क्वेश्चन एंड इवैल्यूएट cot square 15 degree minus 1 divided by cot square 15 degree plus 1. Find the value of this. इसको evaluate करना है। cot square 15 degree minus 1, कहीं से copy मत करिएगा, cheating मत करिएगा। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, मॉड्यूल से भी, संकेत कलंबे मॉड्यूल से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, और कहीं से भी कॉपी मत करें, अपने खुद की मेहनत से जब आप क्वेश्चन करोगे और आंसर ला लोगे तो आपसे ज्यादा खुश इंसान कोई नहीं होगा। इसलिए खुद से मेहनत करनी है, आप ट्राई करिए, बनेगा क्वेश्चन, नहीं तो मैं तो हूं ही। तानिया बेटा, आप भी जो है मेरे को पर्सनली हेलो भेज देना, तो मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भेज दूंगा। और तानिया आपका ब्रांच, हाँ बेटा आपका ब्रांच कौन सा है? इंदौरा। ओके बेटा, तानिया आपको भी सेम करना है, आकाश सर या नीलेश सर से बोल दें, इवनिंग बैच में आपको मैथ्स की क्लास में ऐड कर देंगे। ठीक है,
अभी लेक्चर खत्म होने के बाद आप उनको बोल देना, एक वीक के लिए वो ऐड करेंगे आपको, ताकि बैच पैरेलल हो जाए, ठीक है। और वहां पर थोड़ा सा स्टार्टिंग चल रहा है अभी आपको, तो यहाँ से ज्यादा पॉसिबिलिटी है वहां समझने की, इसलिए वहां पर आप जरूर और जरूर आज इवनिंग बैच ज्वाइन करें, ठीक है, कुछ दिनों के लिए। और मेरे को आप पर्सनली हेलो भेज देना, तो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर आपको पीडीएफ भेज दूंगा। यस सर। आज मैं मानकापुर ब्रांच में रहूंगा बेटा, डाउट क्लियरिंग के लिए आज मानकापुर ब्रांच में है, और आपके मानेवाला और सीए रोड ब्रांच में बाकी जो हमारे सर लोग हैं वो आते हैं, मेस्ट में पारस पर आते हैं, आप उनसे अपने डाउट क्लियरिंग कर सकते हो बेटा, ठीक है। कोई ना कोई अवेलेबल रहता है, आप कंसर्निंग जो सेंटर हेड है उनसे डायरेक्ट बात करके टाइमिंग अपना पूछ सकते हो, तब तक सर लोग मिलते हैं, ठीक है। तो वहां पर अपने जाकर अपने पर्सनली भी डाउट क्लियर कर सकते हो आप लोग। मानेवाला ब्रांच में पारस सर आते बेटा, ठीक है, पारस सर से आप पूछ सकते हो, ठीक है, वो भी मोमेंटम से जुड़े हुए हैं पिछले 5-7 सालों से, तो आप उनसे पूछ सकते हो अपने घर। मेरा टाइमिंग बेटा अभी शेड्यूल यहाँ का बना हुआ है, जब वहाँ का बनेगा तो देखेंगे अपन, वहाँ भी आएंगे, ठीक है, सही हो। चलिए, तो नहीं आया किसी बच्चे का ये आंसर, कॉट स्क्वायर 15° -1/ सर, अभी कुछ कह नहीं सकते बेटा वहां पर। आर्या अब पढ़ाने के लिए नहीं आओगे जब तो का हम लोगों के भी लेक्चर रहेंगे वहां पर बेटा, है चलिए। सो मैं ये क्वेश्चन को डिस्क्राइब कर देता हूं, वैसे तो 2-3 तरीके हैं, मैं 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को, एक चीज आप ये समझ लें, एक मिनट है। फर्स्ट थिंग तो आप ये समझ लें, ये क्वेश्चन में क्रॉस चेकिंग कहीं भी नहीं चलेगा, आप क्रॉस चेक नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर फिक्स कर दिया है 15°, तो 15° फिक्स है बेटा, चेक करो संकेत, दिस इज द रॉन्ग वन, 15° फिक्स कर दिया है, करेक्ट है बेटा आर्या, वेरी गुड आर्या, दिस इज द करेक्ट आंसर। अंशिका मौदेकर आप भी करेक्ट हो, वेरी गुड अंशिका, अंशिका का आंसर भी करेक्ट है, तो 2 बच्चे सही हैं, 1 बच्चे रॉन्ग आंसर किया है, अंशिका मौदेकर करेक्ट है, आर्या सी करेक्ट है, संकेत बेटा आप चेक करो। सो नाउ स्टॉप आंसरिंग, हियर आई डिस, नहीं बेटा यासीन सिद्दीकी यू हैव टू चेक योर आंसर, एंड प्लीज एवरीवन में आंसर मत करो बेटा, आप प्राइवेटली मैसेज करो मेरे को, ठीक है, ताकि आपके और मेरे बीच में कन्वर्सेशन रहे क्या आप आंसर कर रहे हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नहीं अनुषा बेटा रॉन्ग है, ये आंसर भी नहीं आएगा। ओके चले, कोई ना, एक क्वेश्चन मैं डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है, धीरे धीरे फिर आप बनाइएगा क्वेश्चन। सो फर्स्ट थिंग, जैसा मैंने बोला, क्रॉस चेकिंग नहीं और नहीं चलेगा, क्रॉस चेकिंग तब कर सकते हो जब अननोन एंगल हो, यहाँ नोन है, फिक्स है, ठीक है। सो 2 तरीके हैं, एक तरीका ये है आपके सामने कि cot इज 1/10, तो cot को मैं लिख सकता हूं 1/10, एंड सिमिलरली इन द डिनोमिनेटर 1/10 प्लस 1। नाउ व्हेन वी टेक द LCM, जब अपन tan स्क्वायर 15 LCM लेंगे, तो tan स्क्वायर 15 1 में मल्टीप्लाई होगा, तो दिस गिव्स यू 1 - tan² 15° होल डिवाइडेड बाय, ये tan स्क्वायर 15 यहां पर मल्टीप्लाई हो जाए, और फिर tan स्क्वायर 15 से tan स्क्वायर 15 कैंसिल हो जाएगा। सो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप वी गेट दिस,
अब इसके बाद आता है अपना एक फॉर्मूला, आपने पढ़ा है cos 2 थीटा का फॉर्मूला, यू नो दैट कि cos 2 थीटा जो है इट इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये फॉर्मूला को आपको जो है वो इस तरीके से लर्न करना है, यहाँ जो एंगल लिखा है उसका डबल एंगल यहाँ पर आता है, ट्वाइस हो जाता है। तो यदि आप इसको कंपेयर करोगे तो बाय दिस फॉर्मूला आप देख रहे हो थीटा की जगह 15 डिग्री है, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर 15 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 15, तो ये हो जाएगा कॉस ट्वाइस ऑफ 15, मतलब कॉस 30 डिग्री के बराबर। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला दिस साइड कैन बी रिटन कॉस 30 डिग्री एंड दी वैल्यू ऑफ कॉस 30 डिग्री इज स्क्वायर रूट ओवर 3/2। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज रूट 3/2। सबसे शॉर्ट एंड जल्दी तन्मय चंदन के लिए करेक्ट है, वेरी गुड बेटा तन्मय। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप ऐसे अप्रोच कर सकते हो, अदरवाइज यू डायरेक्टली यूज द वैल्यू ऑफ cot 15 डिग्री, आप डायरेक्ट cot 15 डिग्री से भी इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। cot 15 नहीं पता है तो अपन tan 15 कैलकुलेट कर लेते हैं। tan 15 डिग्री की वैल्यू को उल्टा करेंगे तो cot 15 आ जाता है, तो आप tan 15 से भी इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। और आपको एक बार मैं पहले tan 15 डिग्री कैलकुलेट करके बता चुका हूँ, एक बार और क्लियर कर देता हूँ यहाँ। tan 15 डिग्री कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो हाउ वी कैलकुलेट tan 15 डिग्री, तो कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, tan 15 कैन बी रिटन 45 माइनस 30, और हियर वी अप्लाई दी आइडेंटिटी ऑफ tan a माइनस b, फॉर्मूला ऑफ tan a माइनस b। तो कितना होता है, फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ये अपन पहले एक बार कर चुके हैं लेकिन फिर भी देख लीजिए। और अब tan 45 का और tan 30 का वैल्यू डाल दीजिए, तो tan 45 इज 1, tan 30 इज रूट 3, 1/√3, एंड हियर आल्सो वी अप्लाई द वैल्यू, सो दिस गिव्स यू दैट। ना रूट थ्री से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस गिव्स यू रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री प्लस वन, एंड नाउ वी रैशनलाइज दिस, रूट थ्री माइनस वन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा, तो दिस इज रूट थ्री माइनस वन का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय नीचे ए प्लस बी, ए माइनस बी का आइडेंटिटी लगेगा विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो थ्री माइनस वन टू आता। When we open the bracket, a minus b whole square का bracket open करोगे, so 2 से divide करेंगे, so finally we get the value. So this is the value of tan 15 degree, और tan 15 degree का उल्टा करेंगे तो cot 15 आएगा, so cot 15 degree हो जाएगा। The value of cot 15 degree is reciprocal of this. आप इसको भी यूज कर सकते हो या फिर अपन इसको पहले रैशनलाइज कर लें, 2 प्लस रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें, तो ये 2 प्लस रूट 3 आ जाएगा, क्योंकि 2 प्लस रूट 3 बन जाए 2 प्लस रूट 3, और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी के आइडेंटिटी से 4 माइनस 3 बनेगा विच इज 1, तो डिनोमिनेटर 1 आता है इसलिए 2 प्लस रूट 3। तो दिस इज दी वैल्यू ऑफ cot 15 डिग्री। नाउ यूज दिस वैल्यू हियर, cot 15 डिग्री का वैल्यू ये आप डायरेक्टली लर्न कर लो तो इतना भी समय आपका बच जाएगा। यदि आपको इस क्वेश्चन में डायरेक्ट cot 15 पता होती है, तो मैंने बताया है कि cot 15 ऐसे आता है। अब cot 15 यदि मेरे को डायरेक्ट लर्न है 2 प्लस रूट 3, तो मैं डायरेक्टली यहां पर 2 प्लस रूट 3 यूज कर लूंगा। हाँ, रूट 3 प्लस 2 भी लिख सकते हो बेटा, 2 प्लस रूट 3 लिखो या रूट 3 प्लस 2 लिखो, बोथ आर दी सेम थिंग, आप रूट थ्री प्लस टू भी लिख सकते हो। सो हियर वी यूज द वैल्यू ऑफ cot 15 डिग्री, 2 प्लस रूट 3 अपन यूज कर रहे हैं, सो देयरफॉर आवर क्वेश्चन बिकम्स, यहां पर 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर है ये, माइनस 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1। व्हेन वी ओपन द ब्रैकेट, सो दिस गिव्स यू 3 प्लस 4 7, माइनस 1 6,
सॉरी 8 + 4 √3 थोड़ा सा लेंदी है कैलकुलेशन वाइज आएगा, इतना ही, आप परेशान मत होइए उसके लिए। तो देखिए अब क्या कॉमन करता हूं मैं, तो सबसे पहला स्टेप जो है हमारा दोनों में क्या कॉमन आ जाता है, जितना मैक्सिमम हो सके उतना कॉमन निकालिएगा। तो मैं न्यूमरेटर में से रूट थ्री कॉमन ले रहा हूं, रूट थ्री कॉमन लिया तो यहां पर 4 बचा और यहाँ 2√3 बचा, और डिनोमिनेटर में से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो ये 4 + 2√3 आ जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाता है एंड वी गेट अवर आंसर √3/2। तो ऐसे भी आंसर आता है, डायरेक्टली पुट दी वैल्यूज ऑफ cot 15° जो कि अपन को पता है, ठीक है। और लेकिन सबसे अच्छा तरीका ये है, ये दो तरीके हैं, अदर देन दिस और कोई मेथड नहीं है। फिर आप sin cos में कन्वर्ट करते रहो, वो भी एक तरीका है, sin cos उस फॉर्मूला से भी ये आ जाता है, वो भी मैं कर देता हूँ। एक और तरीका मेरे को, मैं आपको बताता हूँ थर्ड मेथड। फर्स्ट यू टेक दी स्क्रीनशॉट, कोई डाउट होगा आपको तो पूछिए। माइक मूट। हाँ बोलो बेटा। सर मुझे वो समझा नहीं, 6 + 4√3 है और अपॉन 8 + 4√3 है सर, yeah. तो न्यूमरेटर में रूट थ्री कॉमन कैसे है सर? ठीक है मैं बताता हूँ बेटा, क्या नाम है आपका? यश। ओके बेटा, ओके, ये संकेत कलंबे का क्वेश्चन है, संकेत ऐसा नहीं हो सकता है, आप इसको 1 - cot² नहीं लिख सकते क्योंकि फिर माइनस साइन आ जाएगा, तो ये 1 - cot² नहीं लिखा जा सकता, ये ऐसे ही लिखेंगे, प्लस में लिख सकते हो, प्लस में 1 + cot² 15, बिल्कुल सेम थिंग है, आप बिल्कुल छोटी बातों से याद रखा करो, मैं 3 - 2 को 2 - 3 नहीं लिख सकता, ठीक है संकेत, सेम रीजन है यहाँ पर। अब ये चलते हैं कि ये डाउट है बच्चे को, ये नहीं समझा कि क्या करें। मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पर मैंने यहाँ से रूट थ्री कॉमन लिया है, ऑल्सो यू नो दैट ये जो 6 है, 6 को आप क्या लिख सकते हो बेटा, 6 को अपन लिख सकते हैं 2 × 3, और 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 × √3, तो 6 एक्चुअली ये है। तो अब मैंने क्या किया है, ये 6 में से √3 कॉमन ले लिया, तो 6 में से यदि √3 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, 2√3 बचेगा, तो ये बचा है, ठीक है। इसको अलग पलट के लिख देता हूँ तो आपको और कंफ्यूजन जो है आपका दूर हो जाएगा। मैंने √3 कॉमन लिया था 6 में से, तो 6 में से यदि √3 कॉमन लिया तो क्या बचा, 2√3 बचा, और यहां से √3 कॉमन लिया तो क्या बचा, 4 बचा, ये ऐसा है एक्चुअली। तो अब ये जो है वो इससे कट जाएगा, अभी क्लियर है बेटा? यस सर। चलिए नाउ मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2 एंड इट्स सेकंड सॉल्यूशन, सॉरी थर्ड सॉल्यूशन। एंड अवर थर्ड सॉल्यूशन, और भाई आपको यही सिखाया गया है कि tan cot वगैरह आते हैं तो sin cos में कन्वर्ट कर लो, तो उससे भी आपका आंसर आ जाएगा ये क्वेश्चन में, आप ऐसे भी अप्रोच कर सकते हो, शायद कुछ बच्चों ने किया होगा ऐसे। क्या कर सकते हैं, cot को अपन cos / sin लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 15° अपॉन sin स्क्वायर 15° -1, और डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर 15° sin स्क्वायर 15° +1। नाउ नेक्स्ट स्टेप में sin स्क्वायर 15 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, cos स्क्वायर 15 - sin स्क्वायर 15 अपॉन sin स्क्वायर 15, और अब डिनोमिनेटर इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, cos स्क्वायर 15 + sin स्क्वायर 15 और डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर, तो ये कट जाते हैं sin स्क्वायर 15, और अब आपको यहां पर एक फॉर्मूला लगेगा, आपने पढ़ा है cos 2 थीटा का फॉर्मूला, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा - sin स्क्वायर थीटा, वो अपन यहां पर लगाते हैं, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं,
cos 2 theta is equals to, सबसे पहला फॉर्मूला यही होता है, cos square theta minus sin square theta. यहाँ जो एंगल है उसका डबल एंगल है. तो यदि आप यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करोगे, cos square theta की जगह कितना लिखा है 15, cos square 15 minus sin square 15, तो कितना हो जाएगा ये by the formula, ये हो जाएगा cos 30 डिग्री हो जाएगा, 15 का डबल. और नीचे cos square plus sin square कितना होता है 1, और cos 30 बचा हुआ आपका, cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2. तो sin cos में करके भी अप्रोच कर सकते थे इस क्वेश्चन को. माइक म्यूट करो बेटा. सो दीज आर, अरे माइक किस काम है. चलिए, सो ये है आपका सोल्यूशन तीसरा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले. ये एक क्वेश्चन अपन ने किया, तीन तरीके से सॉल्व किया. आप बिल्कुल फ्री हैं, कोई सा भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो. और जैसे जैसे आप अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करोगे, उतने आइडियाज डेवलप होंगे, उतने रास्ते खुलेंगे. ये बिल्कुल वैसे ही है कि जब आप किसी जगह पर फर्स्ट टाइम जाते हो, आप अपने स्कूल गए थे, आप अपने कॉलेज गए होगे, ठीक है, तो पहली बार आपने अपने मदर फादर, अपने ब्रदर के साथ, किसी के साथ, भाई बहन के साथ गए होगे, तो पहली बार आप बड़ा देख देख के रास्ता जाते हो. अच्छा, ये गली में मुड़ना है, फिर ये रास्ते पे चलना है, फिर ये सिग्नल पे रुकना है, ऐसा करके, ठीक है. लेकिन जैसे जैसे आप उस रास्ते से वाकिफ हो जाते हो, यूज टू हो जाते हो, बार बार आपका डेली आना जाना होता है उस पर, तो आपको कई सारे शॉर्टकट्स भी मिलते हैं उसमें. भाई ये गली से चले जाओ, थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे, समय बच जाता है, यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल नहीं मिलता, यहाँ पुलिस वाले नहीं मिलते. तो यही कुछ है कि आप जितना प्रैक्टिस बढ़ाओगे, उतने रास्ते खुलेंगे, उतने आइडियाज डेवलप होंगे, करने का और तरीका समझ में आएगा, अरे इसको तो ऐसे भी अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है. तो ये तीन अप्रोचेस बताई हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की. एक बार पहले भी अपन ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ये दूसरी बार अपन ने क्वेश्चन आपके सामने रखा है और पूरे सारी मेथड के साथ आपके सामने रख दिया है. तो ना टेक दी स्क्रीनशॉट, कोई क्रॉस चेकिंग नहीं चलेगा, सॉल्व करना ही पड़ेगा. चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. आपका अभी कोई सवाल हो इसने बात पर तो आप पूछ सकते हैं. चलिए, नो सवाल, वेरी गुड. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. मेरी कोशिश यह है कि आप हर सवाल के साथ कुछ नया भी सीखें, और डिफरेंट डिफरेंट सम्स आपके सामने रख रहा हूँ. थर्ड क्वेश्चन अब आपके सामने रखता हूँ, थर्ड नहीं सॉरी सेकंड क्वेश्चन अब आपको सॉल्व करते हैं अपन. थर्ड पेज सेकंड क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसका वैल्यू कितना आएगा, साइन स्क्वायर 5/8, साइन स्क्वायर 3π/8, साइन स्क्वायर 5π/8 और साइन स्क्वायर 7π/8. वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, आपके ऑप्शंस हैं 1, -1, 0 और 2. विच वन इज करेक्ट? You have 3 minutes only for this question and your time starts now.
ओके संकेत कलंबे करेक्ट है, वेरी गुड, सीए रोड ब्रांच से संकेत करेक्ट। यासीन बेटा चेक करो, आर्या सी चेक करिए, आप अपने आंसर ए बी सी डी के टर्म्स में करें। दानिश चेक करो, अदरवाइज मैं आपको ऑप्शन नंबर मानूंगा। आपने केवल अपने आंसर ए बी सी डी ऐसा करना। हाँ कर दो, जिन्होंने भी एबीसीडी आंसर नहीं किया वो एबीसीडी के टर्म्स में करते हैं, शायद आप करेक्ट हो जाए। मिस्टर पटेल कौस्तुभ कुमारे करेक्ट है, वेरी गुड कौस्तुभ। यासीन एबीसीडी करो, दानिश नित्या एबीसीडी के टर्म्स में आंसर करिए बेटा आप लोग। ओके गोजीरी बेटा चेक करो, अंशु आप भी चेक करो, यहां भी एंगल फिक्स है। योगेश करेक्ट है, वेरी गुड योगेश। आर्या करेक्ट है, नित्या करेक्ट है, तो यहां भी आपको इस क्वेश्चन में भी एंगल फिक्स करके दिया है। निशिका पाटिल करेक्ट है, और इसीलिए आपने इस क्वेश्चन को क्रॉस चेकिंग से आप नहीं कर सकते हो, सॉल्व ही करना पड़ेगा। यासीन सॉरी यस सायरी बेटा चेक करो, आप रॉन्ग है। नहीं ये भी रॉन्ग है, यस हाँ एंगल्स ब्रेक डाउन कर सकते हो। नहीं आया नहीं ये जेई में कभी, जान भी बेटा चेक करो, रॉन्ग है ये क्वेश्चन, जेई में कभी नहीं आया, लेकिन हाँ जेई फिर ये एक बेस तो तैयार करता ही है, बेसिक क्वेश्चन है। ओके संकेत, ओके स्टॉप आंसरिंग, हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को देख लीजिए आप सभी। नहीं यस ये भी रॉन्ग है, अब जो बचा है यस उस पर टिक कर दो, तीन आंसर रॉन्ग हो गए, जो चौथा बचा है वो लिख दो। चलिए सो हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज लास्ट ऑप्शन, तन्मय चंदन खेड़े करेक्ट है, लास्ट ऑप्शन करेक्ट है विच इज फोर्थ ऑप्शन, वैल्यू टू आएगी। और कुछ बातें मैं अब आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, एक बात आप जो समझ लें वो ये है कि आपने ऐसे क्वेश्चंस में एंगल पे फोकस करना है, और यदि एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, इफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर, तो आपने ये पढ़ा है यदि एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं या एंगल्स 90 और 90 के ऑड मल्टीपल्स हैं, मतलब 90 है और 270 है,
तो साइन कॉस में और कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जगहों पर आपको काम आएगी। तो आप यदि यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो आप देख रहे हो कि पाई बाई एट का और थ्री पाई बाई एट का आप सम करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये फोर पाई बाई एट आता है, और फोर पाई बाई एट जो है वो पाई बाई टू होता है, मतलब 90 डिग्री होता है। तो ये दो एंगल का सम 90 डिग्री, और यदि ये दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो एक का साइन दूसरे के कॉस के बराबर होता है। यासीन सिद्दीकी, पता नहीं आपने क्या आंसर किया, मैंने आपको बोला था ए बी सी डी के टर्म्स में आंसर करें, ठीक है। तो क्योंकि जब आप टू लिखते हो तो इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन से हो जाता है, इसलिए आपको कभी भी बोला है कि आंसर ए बी सी डी करोगे तो कभी भी आपको गलत नहीं मिलेगा, ठीक है। गलत होने का शायद रीजन ये हो सकता है कि आपने टू लिखा हो, मैंने रॉन्ग बोल दिया, क्योंकि टू का मतलब सेकेंड ऑप्शन से मैंने निकाला और आप टू से फोर्थ ऑप्शन निकाल लेते, तो इसलिए कभी भी ये कम्युनिकेशन नहीं अपने के बीच में डिस्टर्ब होगा, आपको आंसर हमेशा ए बी सी और डी करना है, ठीक है यासीन। चलिए, तो जो मैं आपको बता रहा था कि यदि दो एंगल्स का सम 90 डिग्री है तो एक का साइन दूसरे के कॉस के बराबर होता है। तो यदि आप 3 पाई बाई 8 और पाई बाई 8 को ऐड करते हो तो 90 डिग्री आता है, और 90 डिग्री आता है इसलिए आप साइन 3 पाई बाई 8 को कॉस पाई बाई 8 लिख सकते हैं। इतना सा मतलब कभी भी कहीं भी आगे से दो एंगल का सम 90 डिग्री आए या 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल, ऑड मल्टीपल मतलब 90 को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करता है, तो 90 डिग्री आए या फिर 270 डिग्री आए, तो 90 डिग्री और 270 डिग्री दोनों भी केसेस में एक का साइन दूसरे के कॉस के बराबर होगा, ठीक है। सो यहाँ पर सिंपली आपने केवल क्या करना था, ये जो साइन 3 पाई बाई 8 है इसको आप कॉस पाई बाई 8 लिख देना, जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। जैसे आप समझते हो 40 और 50 डिग्री का सम जो है वो 90 डिग्री होता है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, और कॉम्प्लीमेंट्री है इसलिए किसी एक पे साइन लगाओगे तो दूसरे वाले का कॉस मिलेगा, मतलब यहाँ पर साइन 40 डिग्री जो है वो कॉस 50 डिग्री के बराबर होगा, या कॉस 40 डिग्री जो है वो साइन 50 डिग्री के बराबर होता है। आप करके देख लीजिएगा, ये बात मैं बोल रहा हूं, ऐसे टैन कॉट और सेक कोसेक में होता है, लेकिन हमको साइन दे रखा था इसलिए मैं साइन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो 90 डिग्री पे ऐसा होता है और 270 पे भी ऐसा होता है, क्योंकि 90 और 270 पे आपने सीखा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आप पाई बाई 8 और 3 पाई बाई 8 का जो सम है वो 90 डिग्री आता है, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, मैं साइन स्क्वायर पाई बाई 8 के साथ साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 को लेता हूं, और लेने के बाद अगले स्टेप में मैं साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस इसको कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 लिख देता हूं। और इसका रीजन आप क्या लिखोगे, तो इसका रीजन आप सिंपली ये लिखेंगे कि सिंस साइन 3 पाई बाई 8 इक्वल्स टू कॉस पाई बाई 8, और आप जानते हो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1, तो ये दोनों का सम तो 1 आता है। एंड सिमिलर अप्रोच बाकी बचे हुए दोनों में करेंगे, तो बाकी दोनों में आपने क्या करना है, बाकी दोनों में आपने साइन स्क्वायर 5 पाई बाई 8 लेना और प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 8 लेना, और अब साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 8 की जगह पर आप कॉस स्क्वायर 5 पाई बाई 8 लिख सकते, और यहां पे रीजन क्या दोगे, सिंस साइन 7 पाई बाई 8 इक्वल्स टू कॉस 5 पाई बाई 8। क्यों हो गया ये, क्योंकि आप 7 पाई बाई 8 में 5 पाई बाई 8 को ऐड करोगे तो 12 पाई बाई 8 आता है, विच इज 3 पाई बाई 2, और 3 पाई बाई 2 जो है वो 270 डिग्री होता है, इसलिए ये इसमें कन्वर्ट हो गया है। तो ये कन्वर्जन अपन ने कर दिया, और अब यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो ये 1 प्लस 1
क्वेश्चन का आंसर आपको दे देगा टू, इतना अप्रोच था इस क्वेश्चन में। और आप यदि इसको डिग्री में कन्वर्ट करके करोगे तो वो डिग्री अभी वैल्यूज पढ़ने की है, ये जो 5/8 होता है ये 22.5 डिग्री होता है, 22.5 डिग्री। तो ये अभी आपने पढ़ने का है, ये अभी आपने पढ़ी नहीं है वैल्यू। मैं आपको साइन 22.5 डिग्री भी बताऊंगा, और जब अपन को वैल्यूज पता हो जाएंगी तो भी अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आपको इतनी बात में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो टेक दी स्क्रीनशॉट इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी। आपका कोई और इसमें डाउट हो या आपको कुछ नहीं समझा हो तो आप पूछ सकते हो बिंदा। चलिए वेरी गुड, तो टेक दी स्क्रीनशॉट। अगले पेज पर मैं आपके सामने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सम रख रहा हूँ, आप इन क्वेश्चंस को घर में बैठ के आराम से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप ट्राई करिए, हर क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। कहीं कुछ आप अटक जाते हैं, नहीं बनता है, तो आप उसको पूछ सकते हैं मेरे से अगली क्लास में, ठीक है? तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। और मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4, सर लास्ट स्टेप नहीं समझी, ओके बेटा, लास्ट स्टेप में केवल कुछ नहीं किया, इसकी जगह पर 1 लिखा है और ये 1+1 को 2 लिख दिया। मेन ये है कि भाई इसको आपने cos pi sin 7π/8 को cos 5π/8 कैसे लिखा, तो ये आपको बताया कि 7π/8 में 5π/8 को ऐड करोगे, तो ये आता है 12π/8 जो कि आता है 3π/2 जो कि आता है 270 डिग्री। तो 90 डिग्री आएगा या 270 आएगा तो ये एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं, इसलिए मैंने क्या किया है कि यदि इन दोनों का सम 270 आ रहा है तो एक का साइन दूसरे के कॉस के बराबर होगा, तो इसलिए साइन 7π/8 को मैंने कॉस 5π/8 लिख दिया, वैसे ही जैसा ऊपर लिखा था। आई होप अभी आपको क्लियर हो गया, कोई डाउट होगा अभी भी तो पूछ लीजिए। सर तो 1 कैसे आया बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। समझा अभी, क्लियर है? ओके चलिए तन्मय, तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4, तो देखिए दी फर्स्ट क्वेश्चन है जो अभी तक आपने नहीं करे हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखा हूं। बिल्कुल इसी जैसा एक और क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है वो देख लेना। आप
ये चार क्वेश्चन होमवर्क में हैं, चारों को ट्राई करिए और जो डाउट होगा उसको अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी करेंगे अपन कल की क्लास में। प्रदन्या बेटा आपको भी जो है व्हाट्सएप पे मेरे को हेलो भेज देना, तो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर आपको भेज दूंगा। और दूसरा आप जो है इवनिंग बैच में भी मैथ्स का क्लास करो, वहाँ पे ये चैप्टर स्टार्टिंग से चल रहा है तो कुछ हो सकता है आपको समझ में आए स्टार्टिंग से। ये चैप्टर क्योंकि आगे आ गया है थोड़ा सा, तो ओके। नित्या आपका भी है, नित्या और सुदन्या आप लोगों का बेटा वो ब्रांच कौन कौन सा है? जिन बच्चों ने नोट कर लिया वो जा सकते हैं, जो न्यू एडमिशन है वो रुक जाए। ओके सी ए रोड नित्या, तो नित्या इवनिंग बैच में सर को बोलो कि ऐड कर देंगे आपको, और केवल मैथ्स की क्लास में, केवल मैथ्स क्लास आप करें इवनिंग बैच में थोड़े दिनों के लिए, दोनों करना है मॉर्निंग भी और इवनिंग भी, ठीक है। तो वहां पर ये चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री है, थोड़ा सा स्टार्टिंग से अपन चला रहे हैं इसमें, तो हो सकता है आपको वहां पर समझ में आए। और बेटा प्रदन ने आपका कौन सा है ब्रांच? प्रदन नंद कावई, संकेत सेकंड क्वेश्चन भी करेक्ट है। प्रदन्या वॉइस नहीं आ रहा क्या? ओके प्रदन्या आप भी जिस ब्रांच में हो ना आप उनको इवनिंग बैच में ऐड करने को बोलिए। इवनिंग बैच में आप ऐड होके 4 से 5 का टाइमिंग है वहां पर, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हुआ है वहां पर, दोनों बैच करिए मॉर्निंग भी इवनिंग भी पैरेलल आ जाएगा, तो फिर आपको एक ही बैच करना होगा और कुछ 5 से 7 दिन लगेंगे बस कार्यक्रम में, ठीक है। तो इतना आप करिए, जितने भी नए बच्चे हैं सब मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप पे हेलो भेज देना अपने नाम के साथ। जो भी बच्चे नए हैं जिनका फर्स्ट डे है सेकंड डे है या थर्ड डे है वो ग्रुप में मेरे को पर्सनली, ग्रुप में नहीं पर्सनली मेरे को व्हाट्सएप पे हेलो भेज दें। मैं रिकॉर्डेड लेक्चर जो भी हुए होंगे ट्रिग्नोमेट्री के इवनिंग बैच में फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वो आपको दूंगा, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री कुछ समझ में आएगी। वहां से शुरू से पढ़ना पड़ेगा बेटा, ये थोड़ा सा अपन बीच में आ गए हैं तो हो सकता है आपको थोड़ी तकलीफ ज्यादा जाए, ठीक है। सो टेक दी स्क्रीनशॉट, बाकी करेंगे कल की क्लास में। किसी बच्चे को, नए बच्चे को कुछ पूछना है मेरे से तो पूछ सकते हैं, बाकी बच्चे जा सकते हैं। बाय एवरीवन, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभरात्रि ऑल ऑफ यू, बाय बेटा, बाय एवरीवन। क्या बोले बेटा आप क्वेश्चन किस बुक से दे रहे हैं? क्वेश्चन एक बार फिर से बोलो क्या बेटा, क्या बोला आपने? क्वेश्चन ये तो मटेरियल है बेटा, पुराना, बहुत पुराना मटेरियल मोमेंटम का है, जैसे आपको भी नया मटेरियल मिला है ना, तो ये पुराना ही मोमेंटम का मटेरियल है। हाँ बुक नहीं, हाँ ये बुक, हाँ ये वैसे ही मॉड्यूल है जैसा मॉड्यूल आपको मिलेगा या मिल गया होगा। ओके बेटा, ओके चलिए, तो बाकी करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, बाय एवरीवन।